दोस्तों आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? आखिर 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कितनी बार हराया? जब जब महाभारत की बात की जाती है, अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में अवश्य लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेकों महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों ये बात है महाभारत के 13वें दिन की। कौरों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग नामुमकिन था। कौरों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे, और अगर अर्जुन मारे जाएंगे तो पांडव अपने आप युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि उसमें फंसे खुद उस चक्रव्यूह को भेदने पहुंचे अभिमन्यु। अब भगवान महादेव से मिले खास वरदान के तौर पर जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया और उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था और उन्होंने इसी का फायदा उठाया और वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उन्होंने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 22 बार बाण मारे। यहां तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अभिमन्यु का सामना कर सकें। अब इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सर को धड़ से अलग कर दिया। अब देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्यास्त होने से पहले ही इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा मित्र। अब अभिमन्यु ही अकेला एक ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को भी इसके बारे में एहसास हुआ तब उन्होंने कर्ण से यह कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसलिए मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया और अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। फिर क्या, 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करता जा रहा था। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक कर अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से अभिमन्यु लहू लुहान हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू रखा और तभी वो क्षण आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुंचे स्वयं कर्ण, और कर्ण ने उन्हें धराशायी कर दिया। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उनसे कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। पुत्र, तुमने ये ताज हमसे छीन लिया है।
अब दुनिया कहेगी कितने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वो कुछ शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरों के 8 से भी ज्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी, वो अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहा था। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।